हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रेम पोस्चर्स। मतलब तुम्हें एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस पे से डब्ल्यू टू एच पोस्चर बनाना है। जैसे फ्रेम, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुम, हुज, हु, हाउ, विथ हुम, हाउ फे, हाउ लॉन्ग, ये सब। तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली को समझते हैं, उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रेम बनाएंगे क्वेश्चन के से। ठीक है, तो समझते हैं। नंबर वन टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5 में हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। अब हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। इसका इस फंक्शन का मतलब होता है सवाल पूछने का उद्देश्य या फिर हेतु। सवाल पूछने का हेतु क्या है कर्ता जानने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा है हु इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे हु का यूज होता है कर्ता जानने के लिए। यहाँ पूछा गया है हु इज अ डॉक्टर। चिकित्सक कौन है कर्ता, मतलब कोई भी सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखा के राघव इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे राघव क्या है पर्सन, मतलब कर्ता सब्जेक्ट। हु का यूज होता है सब्जेक्ट बनाने के लिए। अब हुम का यूज होता है कारण जानने के लिए, जिसका मतलब होता है किसको, जिसको, किससे, किससे, जिससे या फिर जिससे। अब इसके एग्जांपल्स होम डू आई मीट, मैं किससे मिलता हूं। जैसे मैंने लिखा कि आई meet my friends, या फिर I meet my sir, या फिर I meet my brother, ये सब भी सकते हो। Whose का मतलब होता है किसका, जिसका, जिस किसी का भी। ठीक है, अब whose का मतलब ये होता है और इसके सवाल पूछने के उद्देश्य, मतलब हुज का जो यूज किया जाता है इसका हेतु या फिर उद्देश्य क्या होता है कि संबंध जानने के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा है हुज ब्रदर डू यू इनवाइट, तुम किसके भाई को आमंत्रण करते हो। तो आई इनवाइट अजेश ब्रदर। या फिर ये सवाल के बदले ऐसा होगा कि हुज पेन इज दिस, या फिर हुज बुक इज दिस, या फिर हुज मोबाइल इज दिस, या फिर ये स्कूल है तो फिर समझ लो कि हुज स्कूल इज दिस, या फिर हुज बैग इज दिस, हुज चौक इज दिस, ये सब सवाल पूछ सकते हैं। अब संबंध जानने के लिए इसका होता है हुज का। संबंध में कैसे आता है, किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, ऐसा संबंध हो सकता है, वो जानने के लिए हुज का यूज होता है। उसके बाद व्हिच, व्हिच का मतलब होता है कौन सा, जो, कौन कौन से, ये सब। लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिखा है निजी विषय, पसंद के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है व्हिच कार डिड यू बाय, तुमने कौन सी कार खरीदी, मतलब तुमने कौन सी कार खरीदी। तो आई बाउट अ रेड कार, या फिर ब्लैक कार, या फिर व्हाइट कार, या फिर ग्रीन, ब्लू, कुछ भी होता है। अब यहाँ पे व्हाट, व्हाट मतलब क्या। अब इसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु जानने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, अब मैं लिखूंगा तुम्हारा नाम क्या, तो लिखूंगा माय नेम इज रविंद्र। या फिर इसके बदले पे एक और भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। या फिर वैसे बहुत सारे सवाल हैं जिससे हम जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब छठा क्वेश्चन, वेयर वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। इसका उद्देश्य क्या है? स्थान जानने के लिए ये सवाल पूछा जाता है, मतलब इस वेयर शब्द का यूज करते हैं। जैसे हम कहें वेयर इज मुंबई, मुंबई कहाँ है, स्थान कहाँ है, या तो मुंबई का लिखेंगे मुंबई इज ऑन द सी बीच, मुंबई समुद्र के किनारे है। उसके बाद वेन, वेन शब्द का या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो समय जानने के लिए वेन शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कब या फिर जब। जैसे लिखा है वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, या फिर वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, या फिर तुम खाना कब खाओगे। तो ऐसे कैसे बोलेंगे? वेन विल यू ईट फूड, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। अगर तुम कहीं घूमने गए होगे या फिर कहीं बाहर होगे तो क्या लिखोगे? आई विल कम ऑन 5 o'clock या फिर 6, 7, 8, 9, 10, जो टाइम में जाना है वो लिख सकते हो। उसके बाद वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। अब वाई शब्द का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? कि कारण या फिर किसी उद्देश्य या फिर तो हेतु जानने के लिए वाई क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा है वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो। तो आई स्टडी टू गेट नॉलेज, आई स्टडी टू गेट नॉलेज, मैं ज्ञान के लिए या फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ता हूं। उसके बाद हाउ मतलब कैसे, इस डब्ल्यू एच फैमिली का उपयोग किसी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम, तुमने ये परीक्षा कैसे उत्तीर्ण किया या फिर किए। तो आई वर्क हार्ड। अब एग्जाम पास करना है तो कोई आसान काम नहीं है, कठिन मेहनत किया होगा या फिर बहुत मेहनत करने के बाद ही हम पास होते हैं, बिना किसी मेहनत के कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी मतलब संख्या जानने के लिए इस डब्ल्यू एच फैमिली का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा है हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय, या फिर हाउ मेनी सक्सेस डिड ही हिट, या फिर हाउ मेनी नोटबुक्स विल यू बाय, या फिर हाउ मेनी नोटबुक्स विल यू सेल। ये सब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय, तुम कितने किताबें खरीदोगे। तो संख्या में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कुछ भी, तो लिखोगे तुम्हें इतना किताब खरीदना है। सपोज के तुम्हें खरीदना है 12 किताब या फिर 10 किताब, तो क्या लिखोगे? आई विल बाय 10 बुक्स। अब यहाँ पे क्या लिखे, आई विल बाय 10 बुक्स, मैं 10 किताबें खरीदूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 11वां पॉइंट हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच में डिफरेंस क्या। हाउ मेनी का मतलब होता है इतना और हाउ मच का मतलब ये होता है इतना, लेकिन हाउ मेनी मतलब काउंटेबल नाउन, हाउ मच मतलब अनकाउंटेबल नाउन। जिससे हम गिन सकते हैं उससे सवाल पूछेंगे हाउ मेनी से, जिससे हम नहीं गिन सकते हैं उससे हम सवाल पूछेंगे हाउ मच से। जैसे हाउ मच मतलब जत्था जानने के लिए इस सवाल को मतलब प्रोग्रेसिवली का उपयोग करते हैं। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। क्या तुम दूध को गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो, नाप सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। तो क्या लिखोगे? जत्थे के लिए हाउ मच का यूज होता है और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का यूज होता है।
यहां से क्वेश्चन ये आया कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास दूध पीता हूं। बाय वन हाउ लॉन्ग, कितना समय या फिर कितनी देर या तो कितनी लंबाई, इस डबल शब्द का उपयोग करते हैं समय तथा लंबाई लिखने के लिए। अब इसका जो फॉलो चल रहे यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, तुम वहां कितनी देर रुकोगे, तो आई विल स्टे देयर फॉर टू आवर्स या फिर फोर आवर्स सिक्स आवर्स या फिर वन डे टू डेज, ये सब लिख सकते हो। हाउ फार, कितना दूर या इसका उपयोग करते हैं अंतर या फिर दूरी जानने के लिए। जैसे यहाँ सब कुछ कह रहे थे हाउ फार इज अंबाजी, तो लिखेंगे अंबाजी इज 80 किलोमीटर फार। अंबाजी यहां से कितना दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, धन्यवाद।